एग्जाम्पल 61. फाइंड फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ टी वेयर टी लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1 0 इफ टी लेस देन माइनस 1 0 और टी ग्रेटर देन 1. हैंस फाइंड का मतलब हमने इसी के आंसर को फाइंड करके फिर इसको सॉल्व करेंगे. हैंस इवेल्युएट भी आ सकता है आपको. हैंस फाइंड 0 टू इन्फिनिटी साइन की पावर 4x अपॉन x की पावर 4 dx. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 8 मार्क्स. सो पहले तो हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाएंगे. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एटा एस टी एफ टी डी टी. देन इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया. माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 टू 1, 0 टू 1. यहां दोनों पे हमने पुट कर दिया 0. सेंटर में पुट करेंगे 1 माइनस आयोटा मॉड टी. नाउ यहां पे डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी. कॉस थीटा माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस है तो माइनस आयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा इज साइन टी. और ये टर्म एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया. ये हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है. तो साइन का मतलब ये पूरा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है. तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0. कॉस का फंक्शन हमेशा क्या होता है, इवन होता है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटेग्रल 0 टू 1 आगे लगा दिया 2. रीजन में क्या लिखेंगे, कॉस एस टी इज इवन फंक्शन, साइन एस टी इज ऑड फंक्शन. यहाँ पे हमने ये यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मॉड आ रहा है. मॉड को खत्म करने के लिए नहीं, बस सिंपली हमने यहाँ पे ये वैल्यू को यूज कर लिया, क्योंकि ये हमारा इसका मॉड के साथ कुछ भी इंटर रिलेशन नहीं है. बस हमने सिंपली इसको फंक्शन की वैल्यू को पुट किया है. यहां पे गलत, नाउ ये हमारी पूरी टर्म कैंसिल होगी, फिनिश होगी. यहां पे हमारे पास क्या है, 0 टू 1. 0 टू 1 मतलब क्या है, इवन है. इवन का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, ओनली टी आ जाएगा. दैट यहाँ पे हम रीजनिंग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमारा टी किस में लाई कर रहा है, 0 टू 1 लाई कर रहा है. तो हमारा मॉड भी खत्म हो गया. ये हमारा बन गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन. कोस की इंटीग्रेशन साइन एस टी अपॉन एस माइनस, इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1. इसकी फिर से इंटीग्रेशन की तो क्या आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एस टी. नीचे एक और एस आ जाएगा, तो एस इंटू एस एस स्क्वायर, 0 टू 1. अपर लिमिट पुट की, अपर लिमिट में मैं पुट किया तो 1 माइनस 1, 0. 1 2 3, तो 3 माइनस आ रहे हैं, तो माइनस कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर. देन लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस साइन 0 0, कॉस 0 1, तो 1 2 3 माइनस आ रहा है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2 माइनस कोस एस अपॉन एस स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वेयर. तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस एस अपॉन एस स्क्वेयर, और साथ में 2 एज इट इज. यहां पे ब्रैकेट भी आएगी. तो ये हमारा आंसर. तो ये किसके इक्वल आ गया, f(f)t के. यहां इसको हम लिख सकते हैं एफ बार एस इज इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस एस अपॉन एस एस के. तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. नाउ हमने इवेल्युएट करना है. इवेल्युएट का मतलब क्या फाइंड करना है, 0 टू इन्फिनिटी साइन की पावर 4x अपॉन x की पावर 4 dx. तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, पार्सल आइडेंटिटी के साथ. सो पहले तो इसकी डेफिनेशन लगा दी, 1 अपॉन 2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एस बार एस स्केयर ds इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एस टी स्केयर डी टी. तो सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 टू 4, 1 माइनस कोस एस अपॉन एस स्केयर की पावर 2. ऐसे हमने एफ टी की वैल्यू पुट कर दी. एफ टी की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस मोड ऑफ टी अदरवाइज 0. इसकी लिमिट्स क्या थी, -1 टू 1. नाउ अभी हमने बताया था ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, तो 2 आ गए, 0 टू 1. नाउ 0 टू 1 रेंज है, तो मॉड ऑफ टी की जगह हम टी लिख देंगे. सिमिलरली यहां पे ये भी इवन फंक्शन है, यहां पे हमने रीजन भी देना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन देना. तो यहां पे क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी आ गए 2. 2 टू 4 अपॉन पाई एज इट इज,
वन माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या आ जाता, टू कॉस स्क्वायर एस बाय टू, जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ कर देंगे। ऐसे इसका स्केयर किया तो क्या आ गया, टू टू जो फोर साइन की पावर फोर एस बाय टू, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया साइन की पावर फोर डी एस, और ये टर्म एज इट इज। फोर फोर जो सिक्सटीन अपॉन पाई, ये टर्म एज इट इज। फिर से इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इसकी इंटीग्रेशन तो आपको आती है, क्या आ जाएगा थ्री थ्री। नाउ अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो माइनस वन, तो माइनस थ्री, तो इसको हमने यहां पे लिख दिया। अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट कर दी। अपर लिमिट पुट की तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन एस, और माइनस को बाहर निकाल देते हैं, वन माइनस वन इज जीरो, तो अपर लिमिट जीरो बन गई। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की तो वन माइनस जीरो की पावर थ्री इज वन, वन अपॉन थ्री, तो माइनस माइनस प्लस, टू वन जा टू, थ्री थ्री जा नहीं, थ्री को भी बाहर निकाल दिया तो हमने, तो यहां पे सिंपल थ्री वन आएगा, तो आंसर आ गया प्लस टू बाय थ्री। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एस बाय टू को एक्स पुट कर दिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या लेकर आना है, एक्स लेकर आना है, तो इसको सिंपल एक्स पुट कर दिया, तो यहां पे बन गया साइन फोर एक्स अपॉन एस की पावर फोर क्या आ जाएगा, टू एक्स, टू वन टू टू जो फोर, फोर टू जो एट, एट टू जो सिक्सटीन, तो सिक्सटीन की पावर सिक्सटीन एक्स की पावर फोर, डी एस की जगह क्या आ जाएगा, टू डी एक्स, तो टू वन जो टू, टू एट जो सिक्सटीन, नहीं ये वाला टू इसके साथ, सिक्सटीन के साथ सिक्सटीन कैंसिल, तो ये वाली पाई उधर चलेगी, ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो पाई बाय फोर हमारा आंसर आ गया। तो जीरो टू इन्फिनिटी साइन फोर एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर डी एक्स इक्वल आ गया पाई बाय फोर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।